बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोनालॉजी। मैं आज दीदी के घर से बाहर आई हूँ। बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत पसंद है। गर्मी बहुत शदीद है लेकिन मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। हो सकता है मेरे साउंड थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, थोड़ी आवाज़ कम आए। तो दो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आज मैं तीसरी वीडियो बना रही हूँ। और असल में ना दोनों वीडियो में मैं ये कहना भूल जाती हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। फलाडी का ना तो मैं उससे कहती हूँ मम्मा क्यों नहीं करती आप ऐसे। मैं क्या, मुझे याद ही नहीं रहता बेटा। तो अभी जो है मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी कि भाई अगर मैं नहीं भी कहूँ तो मतलब आप सबको तो पता ही है कि सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो मेरे जो अजीज़ हैं, अकरमा हैं, जो मेरे जान पहचान वाले हैं, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक पे बड़ा अच्छी बात मुझे याद आती है कि जब मैं लाइक का वो देखती हूँ, ऑप्शन देखती हूँ, तो उसमें एक अंगूठा बना हुआ है, उठावाना बोले तो थम्स अप। तो मैं बचपन में हम लोग देखते थे बहन भाई आपस में किसी को चुप किसी बात पे छुड़ा रहे होते थे, तो अंगूठा दिखा के यानी कि ठेंगा दिखा दिया किसी ने सामने का, आज तो हम फला काम करेंगे, तो ठेंगा तुम कर ही ना लो, ठेंगा दिखा दिया। वो होता था ठेंगा चुड़ाने वाला, उससे लड़ाइयाँ हो जाती थी, चुड़ते थे आपस में। मैं क्या बदतमीजी है, मम्मा देखे अम्मी, मम्मा कहाँ होती थी जब हमारे दौर में, मम्मी देखें ठेंगा दिखा रही, मम्मी देखें चुड़ा रही है, ये ना इस तरह की बातें होती थी। तो उस वक्त तो वो चढ़ाई वाली चीज़ थी, अब मैंने देखा तो लाइक करें तो वो थम्स अप भी ठेंगा उठा हुआ है वो। तो जो चढ़ाई वाली चीज़ थी वक्त बदला, अकदार बदली और मानी भी बदल गए। तो वो चीज़ जो थी अब वो इसमें शुमार हो गई कि भाई आप थम्स अप करें, लाइक करें, तो वो लाइक का आइकॉन वो हो गया, सिंबल हो गया ना। तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि बचपन में जो चीज़ है तो हम एक दूसरे से चढ़ाते थे, आज उसके लिए हम खुद दूसरों से कहते हैं कि प्लीज़ लाइक करें, और यानी लाइक का भी थम्स अप करें। तो वाकई कोई चीज़ कभी कोई मानी रखती है, कभी कोई मानी रखती है। क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मुझे मतलब मेरा इतना सोशल मीडिया से बस ये कि यूट्यूब इस्तेमाल कर लिया, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लिया, इतना नहीं मुझे आता है ना। तो चैनल भी जुबी ने बना के दिया और छोटी छोटी बातें जुबी ने सिखाना, तो मुझे नहीं समझ में आता अल्लाह भाई कैसे मैं इसको अपडेट वो करूँगी, एडिट करूँगी, कैसे वीडियो अपलोड करूँगी। और कल मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो मुझे ये फिक्र कि अभी तो चैनल जुबी कर देती है, बाद में क्या होगा, कैसे होगा। ये मैं पब्लिक प्लेस पर बैठी हूँ तो शोर बहुत है और मैं माइक लाना घर से भूल गई हूँ। तो ये सब चीज़ें थी जहन में, लेकिन अब ये कि कल जाके इंशाल्लाह देखेंगे भतीजे आए और लोग हैं उनसे कहेंगे भाई जुबी से आज बैठ के कहूँगी कि सारा कुछ सिखा दो। और ये कि आस्ते आस्ते सब आ जाएगा इंशाल्लाह, सब सीख जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। आज उससे कहूँगी थोड़ा आज बता दे, थोड़ा कल बता दे। तो भाई आपसे दरख्वास्त है कि जब भी वीडियो देखें उससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये अलग से वीडियो मैं इसी लिए बना रही हूँ कि मैं पीछे दो वीडियो में ये कहना भूल जाती हूँ। तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब में भेजें। और मेरा एक बड़ा हल्का अहबाब है, यकीनन मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। कोई मेरा कहना है कि जो लोग गर्दिश दौरा में खो गए थे वो सामने आएंगे, और हर काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। आज ही थोड़ा सा है, कल और ज़्यादा होगा और इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। और मेरे लिए एक बेहतरीन मशगला ये, मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा कि मुझे अर्निंग का कोई वो नहीं है, बस ये कि अब मैं जो एकदम से रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल खारिज हो गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ कोई मसरूफियत हो, मेरी तो बेहतरीन मसरूफियत है लोगों से कनेक्ट रहना। और अभी इंशाल्लाह मैं कल जा रहा हूँ पाकिस्तान, उसके बाद मैं अपनी कोई ज़रूरी शॉपिंग करूँगी और फिर मैं एक हफ़्ते के अंदर इस्लामाबाद अफाज के पास चले जाऊँगी, फिर केवी के जाऊँगी। और मैंने जो मेरे अपने अजीज़ वकारीब से मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं केपीके में एक इंडस्ट्रियल होम बना रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक एनजीओ है उसके तहत। और इंशाल्लाह ताला अगर ये सेट हो जाता है, चल जाता है, तो मैं कराची में भी ये सब चीज़ करूँगी, एक हाईवे की तरफ कोई कच्ची बस्ती की तरफ इस तरह देख के। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे बड़ा शौक है कि कोई अच्छा सा प्लॉट मुझे मिल जाए। तो मेरे ड्यूज़ आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ, पहले सबसे पहले हज की आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, उसके बाद इसी की कि मैं कोई इस तरह का बड़ा जगह लेके 600-800 गज की, तो उसमें बिल्कुल गांव देहात जैसा माहौल, कच्चा माहौल, नेचर से बिल्कुल नेचर से करीब माहौल बना के, तो मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पे वो गरीब बच्चियों के लिए अपना इंडस्ट्रियल होम बनाऊंगी और वहाँ पे काफ़ी कुछ इस तरह करूंगी कि अच्छा लगे। बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है, वैसे भी मुझे गाँव बहुत पसंद है, तो मैं इसी तरह सब्ज़ियाँ और पौधे और कच्चा मकान इस तरह बना के
तो प्लानिंग तो बहुत है, बाकी ये कि इंसान तो सिर्फ सोचता है, पूरा तो अल्लाह करता है। तो आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पूरा कर दे और मैं ये सब कर सकूँ। तो बस इंशाल्लाह कल पहुँचते हैं पाकिस्तान, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो ये है कि फिर जो कमी हो, मैंने ये कहा ना कि कॉन्फिडेंस में तो इंशाल्लाह कमी नहीं होगी, लेकिन वीडियो में कोई कमी हो, कोई चीज़ हो, तो ये सोच के नज़रअंदाज कर दीजिएगा कि इब्तिदा में सबके साथ ये होता है। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब कुछ बेहतर होने लगेगा, वीडियो अच्छी आने लगेंगी। और जब मैं कराची जाऊँगी तो जिस तरह मैं इंडस्ट्रियल होम के लिए अपनी शॉपिंग करूँगी, उस सबसे आपको बाखबर करती रहूँगी, वीडियोज़ डालती रहूँगी। और जब मैं के पी के जाऊँगी वहाँ, इस्लामाबाद जाऊँगी वहाँ, तो मैं सारी ना बहुत गर्मी है, या शाम में भी गर्मी होती है, रात में भी गर्मी होती है। और आप बिलीव करें कि मैं पूरे तकरीबन 2 महीने 10 दिन में आज सेकेंड टाइम यहाँ पोडियम में आई हूँ, जबकि मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ तो रात में भी गर्मी होती है पसीने पैर पे। तो बस ये कि मुझे लग रहा है आवाज़ का प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर चल रहे हैं। और अभी मैं वीडियो ख़त्म करके इसका व्यू आपको दिखाऊँगी, बहुत ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह, ज़ुबी के घर से नज़र आते हैं, ज़ुबी का घर भी यहाँ से दिखाऊँगी, फर्स्ट फ्लोर पर ही है। तो मुझे ज़ुबी के वैसे भी ये जो वो है फ्लैट है ज़ुबी के, और ये सारा जो पोडियम है यहाँ का, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत रौनक वाली और खूबसूरत जगह है। तो इंशाल्लाह ये तो छोटी वीडियो बनेगी, अभी हम आपको सारा दिखाते हैं। तो मेरे राइट साइड में वो है स्विमिंग पूल है, मेरे फ्रंट पे वो है क्या कहते हैं भाई एक्सरसाइज वाली जगह को, कभी ये होता है कहते कहते बात भूल जाती हूँ। तो और बैक साइड में बहुत अच्छा है माशाल्लाह सब ना, अभी मैं वीडियो ख़त्म करने के बाद आपको दिखाती हूँ सारा, और मुझे तो बहुत पसंद है। ज़ुबी का फ्लैट भी दिखाती हूँ। तो बस ये ज़ुबी बेचारी बच्चों की वजह से नहीं आ पाती है, क्योंकि वो दो दो बच्चों को संभालना, लेकिन मैं आज बड़ी हिम्मत करके आई हूँ, लेकिन पसीना पसीना हो रही हूँ। जनरेटर का बहुत शोर है, हो सकता है आपको आवाज़ ना आए सही। तो मैं जाके भी दूसरी वीडियो बनाऊँगी इसी टॉपिक पर अगर नहीं सही आई तो। और बाकी ये कि दुआओं में याद कीजिएगा कि एक अच्छे मकसद के लिए चैनल बनाया है, अल्लाह पाक मेरा मकसद पूरा करे। और इसी तरह मैं और आप मिलके बैठे बातें करते रहें, मैं सारी अपनी जो भी मेरी एक्टिविटीज़ है उससे आपको आगाह करती रहूँगी। और इंशाल्लाह बस कल पाकिस्तान में मिलते हैं, आपसे बातचीत होगी। सफ़र के लिए दुआ कीजिएगा खैरियत से गुजरे, और सेहत के लिए सब चीज़ के लिए दुआ करिएगा कि सब दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे, सेहत ज़िंदगी दे, और जितनी ज़िंदगी है बस हाथ पाँव चलते रखे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ खड़े होकर ज़रा ज़ुबी का, ये सारा बहुत ज़बरदस्त पोडियम है, मेरी पसंदीदा जगह है। तो देखें ज़रा, फिर मैं चलती हूँ क्योंकि गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये देखिए पीछे बड़ा खूबसूरत सा जिम है, और ये शॉप है, ये स्विमिंग पूल है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। शाम में सब आके बैठते हैं यहाँ पे, और बहुत बड़ा सा एक वॉकिंग ट्रैक है। और ये बिल्कुल जहाँ ये बच्ची खड़ी हुई है, ये ऊपर ज़ुबी का फर्स्ट फ्लोर, जहाँ ये रेड फ्लैग है ना, बस इसके सामने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ज़ुबी का घर है। और माशाल्लाह सब ये देखें, बहुत खूबसूरत जगह है, अच्छा लगता है आके, बहुत पुर रौनक भी है, दिल खुश होता है। चले अजानें हो रही हैं, मैं घर जाती हूँ इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, फिर बातचीत होगी। ये देखें स्विमिंग पूल है, बहुत बेहतरीन जगह है माशाल्लाह, रात में भी इसका व्यू आपको दिखाऊंगी जब लाइटिंग वगैरह हो जाएगी। तो अजानें हो रही हैं, सामने का व्यू देखें कितना ज़बरदस्त लगता है, इतना ज़बरदस्त से ट्रैक बना हुआ है। अगर मौसम अच्छा हो तो सुबह यहाँ वॉक की जाए, बहुत बेहतरीन रहेगा। ये सामने देखें पूरा समंदर नज़र आ रहा है, यहाँ से तो जिस तरफ निकलो समंदर समंदर नज़र आता है, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़बरदस्त ना। लेकिन बस गर्मी तो शाम में भी नहीं छोड़ती है, रात में भी यहाँ 40 से अबव टेम्परेचर हो रहा होता है। ये देखें समंदर देखें पूरा, ये पूरा वॉकिंग ट्रैक देखें, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। मौसम अच्छा हो तो बेहतरीन वॉक होती है यहाँ पर।